क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मेरे स्टूडेंट भाई बहन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से मानसिक दबाव का वो शिकार हुए हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूं और उनके दर्द को महसूस भी कर सकती हूं। लेकिन मोदी सरकार पूरे तरीके से इस बात को अनदेखा कर रही है। इस बात के पीछे क्या लॉजिक है, ये हम समझ नहीं पाए हैं। ताली थाली दिया मोमबत्ती सब किया गया, लेकिन सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में बुरी तरीके से असक्षम रही है। फिर सरकार किन बेसिस पे, किन गारंटीज पे बच्चों को एग्जाम्स देने की बात कर रही है? बाढ़ प्रभावित इलाके से बच्चे पहले एग्जाम्स में आए, एग्जाम्स दें और खुद जाकर कोविड को गले लगाएं, क्या सरकार ये कहना चाहती है? आखिर सरकार क्यों बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलना चाहती है? ये बच्चों को मैनिपुलेट करने की बात नहीं है, ये बच्चों का माइंड वॉश करने की बात नहीं है। बच्चे ये नहीं कह रहे हैं कि हम एग्जाम्स देंगे ही नहीं, बस वो इस कोविड के चलते अपने आप को, अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए। किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी या टैलेंट को किसी भी चीज के साथ कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन है। इस टाइम पर हमें स्टूडेंट्स की डिमांड को समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार पूरे तरीके से इस बात को अनदेखा कर रही है। आज हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता स्पीकअप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के अभियान के माध्यम से यही मांग करता है कि जल्द से जल्द इन एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए और बच्चों की जिंदगी के साथ, बच्चों के प्रेजेंट फ्यूचर के साथ खेलने का काम मोदी सरकार बंद करे। जय हिंद, जय भारत। बाबू तैयार है, छोटो पड़वाने हां पैड़ो हां हां तैयार पैड़ो है जो हमर भाई ये पैड़ो पैड़ो हमें एवरेज जो 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 आई के तारी में ए मन मोकर देना मत नर्मदेश्वर महादेव की जय। કઈ બાજુ જવું? શૂટિંગ ઉતાર, શૂટિંગ ઉતાર। हाथ पूछे